राधे राधे, हरे कृष्णा, कृष्णदासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, खरीदारी के लिए अबूझ मुहूर्त भी होता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद घर के साफ सफाई करनी चाहिए। उसके बाद देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। अगर आपके पास अष्ट धातु की प्रतिमा हो तो आप पंचामृत स्नान कराएं। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु का अभिषेक करने के लिए दक्षिणावर्ती शंख में गाय का दूध लें। आप इस दूध में केसर भी डाल सकते हैं। अभिषेक करने के बाद जल से प्रतिमा को स्नान कराएं, फिर गुलाल, चावल, कुमकुम, अबीर आदि चीज़ों से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु को चढ़ाएं। मौसमी फल के साथ फूलों का हार लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु को अर्पित करें। माता लक्ष्मी को चढ़ाएं, चंदन लगाएं, खीर का भोग लगाएं। इसके बाद 11 माला का जाप करें। हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद बांटें और दान पुण्य करें। फिर अक्षय तृतीया के दिन दक्षिणावर्ती शंख की भी पूजा की जाती है। दक्षिणावर्ती शंख को अच्छे से गंगा जल से धुल लें, फिर उस पे चंदन, कुमकुम इत्यादि चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं और दक्षिणावर्ती शंख को धूप दीप दिखाएं। इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा सफ़ेद या पीले गुलाब या फिर सफ़ेद कमल के फूल से करें। इस दिन दो कलश लें, एक कलश को जल से भर दें और उसमें पीले फूल, सफ़ेद जौ, चंदन और पंचामृत डालें। आज के दिन आप जो भी अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, वो जीवन पर्यंत आपके साथ रहता है। अगले जन्म में उससे आपके भाग्य का निर्माण भी होता है। जैसा कि अक्षय तृतीया की पौराणिक कथा में वैश्य धर्मदास के बारे में बताया गया है, अक्षय तृतीया के दिन आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ भगवान गणेश की भी पूजा अवश्य करें, क्योंकि वो प्रथम पूज्य माने जाते हैं। बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी पूजा स्वीकार नहीं होती है और माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा करने पर स्थिर धन एवं संपत्ति की प्राप्ति होती है। आप पहले गणेश जी का पूजन करें, फिर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। माता लक्ष्मी की पूजा लाल गुलाब, कमल पुष्प, कमल गट्टा, कुमकुम, अक्षत आदि से करें। फिर उनको बताशा, दूध से बनी मिठाई या खीर का भोग लगाएं। फिर विष्णु भगवान की भी पूजा फूल, अक्षत, चंदन, तुलसी दल, पंचामृत आदि से करें। माता लक्ष्मी की स्तुति करें। इससे माता लक्ष्मी से धन धान्य संपत्ति, पुत्र, आरोग्य, विद्या, कला, सफलता आदि प्रदान करने की प्रार्थना करें। लक्ष्मी स्तुति। आदि लक्ष्मी नमस्तितु, पर ब्रह्मा स्वरूपिणी, यशो देही, धनम देही, सर्व कामाक्ष देही मे। संतान लक्ष्मी नमस्तितु, पुत्र पौत्र प्रदायिनी, पुत्रान देही, धनम देही, सर्व कामाक्ष देही मे। विद्या लक्ष्मी नमस्तितु, ब्रह्मा विद्या स्वरूपिणी, विद्याम देही, कलाम देही, सर्व कामाक्ष देही मे। धन लक्ष्मी नमस्तुते, सर्व दारिद्र नाशिनी, धन देही, श्रियह देही, सर्व कामाक्ष देही मे। धान्य लक्ष्मी नमस्तुते, सर्वाभरण भूषिते, धान्यम देही, धनम देही, सर्व कामाक्ष देही मे। मेधा लक्ष्मी नमस्तुते, कलिकल्मषः नाशिनी, प्रज्ञाम देही, श्रियम देही, सर्व कामाक्ष देही मे। गज लक्ष्मी नमस्तुते, सर्व देव स्वरूपणी,
अश्वांश गोकुलम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे धीर लक्ष्मी नमस्तेस्तु पराशक्ति स्वरूपिणी वीर्यम देहि बलम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे जय लक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्व कार जय प्रदे जयम देहि शुभम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे भाग्य लक्ष्मी नमस्तुते सर्व मांगल्य विवर्धनी भाग्यम देहि श्रियम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे कीर्ति लक्ष्मी नमस्तुतु विष्णु वक्षस्थलस्थिते कीर्ति देहि श्रियम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे आरोग्य लक्ष्मी नमस्तुतु सर्व रोग निवारिणी आयुर देहि श्रियम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे सिद्ध लक्ष्मी नमस्तुतु सर्व सिद्धि प्रदायिनी सिद्धि देहि श्रियम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे सौंदर्य लक्ष्मी नमस्तेस्तु सर्व अलंकार शुभ शोभिते रूपम देहि श्रियम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे साम्राज्य लक्ष्मी नमस्तुते भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मोक्षम देहि श्रियम देहि सर्व कामाक्ष देहि मे मंगले मंगलाधारे मंगलाये मंगलप्रदे मंगलार्थ मंगलेशि मंगलाय देहि मे सदा सर्व मंगल मांगल्ये शिवे शर्वाद शादिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते शुभम भवतु कल्याणी आयुरारोग्य संपदाम। ये माँ लक्ष्मी की स्तुति है। इस स्तुति को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी भंडारे भरती हैं। इस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा करें, इसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, गणेश जी की वंदना करें, गणेश अथर्वशेष का पाठ करें, तो इस तरह से विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना फलदायी माना जाता है। और इसके साथ ही आप माता लक्ष्मी के गायत्री मंत्र का जप भी कर सकते हैं। वो इस प्रकार से है, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। साथ ही अपने सोने के जेवर भी माँ लक्ष्मी पर चढ़ा सकते हैं। माना जाता है कि इस विधि से पूजा करने वालों जातकों पर जीवन भर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, धूप दीप दिखाकर आरती करें। इस तरह से अक्षय तृतीया के दिन आप गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी और विधि विधान से पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि स्थायी रूप से आपके जीवन में बनी रहेगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो ये ज़रूर पसंद आएगा। आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं।